सिर्फ सच। न्यायालयीन कार्यों से विरक्त रहने का फैसला किया अधिवक्ताओं ने, क्यों किया है, क्या आंदोलन है ये और आगे क्या कदम उठाए जाएंगे? आज पूरे मध्य प्रदेश में न्यायालयीन कार्य से विरक्त इसलिए रखा गया है मध्य प्रदेश बार काउंसिल के आह्वान में, जो हमारे मध्य प्रदेश की अधिवक्ताओं की एक सर्वोच्च संस्था है और उस संस्था का पालन हमारा पूरे प्रदेश के अधिवक्ता समुदाय एवं संघों का को पालन करना आवश्यक है। आज बार काउंसिल ने इसलिए आह्वान किया है, इसलिए विरक्त रहने का निर्णय लिया है कि आए दिन अधिवक्ताओं के ऊपर हमले किए जा रहे हैं, उन पर प्राणघातक हमले किए जा रहे हैं, जानलेवा हमला किए जा रहे हैं, उनको धमकी दी जा रही है और अभी सिहोरा में, कल जबलपुर में और आए दिन रोजाना रोज परसों भोपाल में, आए इंदौर में आए दिन रोजाना रोज कोई ना कोई घटना की जा रही है। अब यदि अधिवक्ता एक स्वतंत्र व्यवसायी है और जनता के लिए लड़ता है, पब्लिक के लिए लड़ता है, उनके सहयोग के लिए करता है और यदि वो स्वतंत्र रूप से अपना व्यवसाय नहीं कर पाता तो बहुत दुखद घटना है, दुखद बात है। तो बार काउंसिल ने पूरे मध्य प्रदेश के तहसील अधिवक्ता संघ, जिला अधिवक्ता संघ और प्रदेश की पूरी न्याय प्रक्रिया के लिए पूरे अधिवक्ता संघों को आज न्यायालय से विरक्त रहने का निर्णय लिया है और हम लोग बार काउंसिल के आह्वान में हम लोग भी आज न्यायालयीन कार्य से 10 बजे से 2 बजे तक विरक्त रहेंगे। इसके बाद हम लोग पूरे प्रदेश के अधिवक्तागण न्यायालयीन कार्य करेंगे। आज इस बात की आवश्यकता है कि प्रोटेक्शन एक्ट बहुत ज़रूरी है। इसके पहले भी मध्य प्रदेश शासन ने आश्वासन दिया, अधिवक्ता पंचायतें बुलाई और उन्होंने ये भी कहा कि प्रोटेक्शन एक्ट लागू किया जाएगा, तो वो समय पर अभी तक लागू नहीं किया गया। इसलिए अधिवक्ता बार काउंसिल हमारी संस्था ने अधिवक्ता के हित के लिए प्रोटेक्शन एक्ट के लागू न होने के कारण आज न्यायालयीन कार्य से विरक्त रखा है। और भी यदि शासन हमारी मांगों पर यदि ये निर्णय नहीं लेता, अधिवक्ता प्रोटेक्शन एक्ट लागू नहीं किया जाता तो इसका और आगे समय में घोर विरोध होगा और आंदोलन होंगे। सिर्फ सच।